ओफो, भगवान सुरोहित जी कहां से लाए हैं इसको? अब रुक जाइए साहब, रुक जाइए। महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? जुबान खोलने पर घर तोड़ रहे हैं। जुबान तुम्हारा आईटी तेल मेरा मजाक उड़ाता है। सर मैं बोल सर आप मजाक उड़ाने लायक नहीं हो सर, आप प्लीज बैठ जाओ, आप नॉटी हो बस, आप मजाक उड़ाने लायक नहीं हो। अब देखो तुम नॉटी नॉटी बोलते हो ना, तुम नॉटी नॉटी बोलते हो ना, तो नॉटी नॉटी डिबेट आपने ईयर का अवार्ड तुमने जीता है। तो क्या हो गया, आप नॉटी हैं, नॉटी हैं तो इसमें आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? अब आप प्लीज मुझे विषय से भटकने नहीं है, मुझे आपसे बार बार सर आप मेरे बुजुर्ग हैं सर, आप मेरे बुजुर्ग हैं आप मेरे। अरे तुम मुझे आराम से बोलना चाहते हो, आपके तो आप नॉटी बोलते हो। अच्छा मतलब ये तो कमाल हो गया, ये तो आप ही के संजय राउत ने बताया था कि मतलब हराब मेरे बेटे तरीके हो। हाँ हाँ तुम है ना अभद्र बाचा। हाँ तो बेटे जैसे है तो आप शांति से बैठो ना, बेटे को बोलने दो तो। क्योंकि अच्छा मैं नॉटी बोला तो आप हरामखोर समझ गए, ये तो बड़ा कमाल की बात है। अब आप शांति से बैठो, मतलब बहुत बुद्धिमान हो आप बुद्धिमान हो जो आप सही समझ गए, आप मुझे बोलने दिया जाए। तुम बुद्धि से नॉटी बोल रहे हैं ना। हाँ और संजय राउत सरकार का हिस्सा नहीं है, संजय राउत सरकार का। रोहित भाई जरा ये नॉटी स्पोक्स पर्सन की आवाज को कम कर दो प्लीज। संजय भाई मैं इनसे ये पिता जैसे हैं, मैं इनसे उलझना नहीं चाहता हूँ, मुझे विषय को रखने दिया जाए, गंभीरता के साथ रखने दिया जाए। और देखिए मैं दो तीन उदाहरण मैं बोल बेटे को बोलने दो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं प्लीज बोल लूँ, नहीं तो आप फिर मेरा जबड़ा भी तोड़ देंगे। 30 सेकंड जी, 30 सेकंड में बात। रोहित जी मैं दो तीन उदाहरण देता हूँ जी, दो तीन उदाहरण देता हूँ। देखिए ये वही महाराष्ट्र है जिसमें दिसंबर ये प्रवचन करते। रोहित जी मैं शांत बैठ जाता हूँ, ये प्रवचन करते। किशोर जी प्रवचन वाले भी हैं हमारे पास, वो अभी कनेक्ट हुए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनका प्रवचन भी सुनवाऊंगा अभी आपको। That is Babaji.